पाकिस्तान ने सऊदी अरब का सारा कर्ज उतारने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 3 अरब डॉलर्स में से 2 अरब डॉलर्स अदा कर दिए हैं। आखिरी किस्त अदा करने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स का कर्ज नरम शराइत पर दिया था। सऊदी अरब को कर्जे की दूसरी अदायगी के लिए दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान की मदद की और करेंसी स्वैप माहदे के तहत पाकिस्तान को ये कर्ज फराहम किया। बताया गया है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब का सारा कर्ज जल्द से जल्द अदा करने का फैसला किया है। इस हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब को आखिरी किस्त की अदायगी के लिए भी कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान आइंदा माह सऊदी अरब को कर्जे की तीसरी किस्त अदा कर देगा। पाकिस्तान को कर्जे की दूसरी किस्त 31 दिसंबर से कबल वापस करना थी, ताहम वक्त से कबल ही कर्ज अदा कर दिया गया। अब पाकिस्तान के जिम्मे सऊदी अरब का 1 अरब डॉलर्स का कर्ज वाजिबुल अदा है, जिसके अगले साल जनवरी में वापस किया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स 2 साल कबल कर्जा लिया था। पाकिस्तान ने आलमी कर्जों की अदायगी में डिफॉल्ट कर जाने के डर से सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर्स का कर्जा रवां साल अगस्त में वापस किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अक्टूबर 2018 में 3 साल के लिए 6.2 अरब डॉलर्स का मालियाती पैकेज देने का ऐलान किया था। जबकि अब पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द सऊदी अरब का सारा कर्ज वापस करते।